के ओरछा रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर बीती रात एक युवक को लाठी कुल्हाड़ी से मारकर आरोपियों ने मौत के घाट कर दिया। तो वहीं जानकारी के अनुसार बीती रात ढाबे पर कार्यरत दो युवक रात करीब 2 बजे शराबखोरी के दौरान आपसी विवाद में एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसके बाद एक युवक के सिर पर लाठी और कुल्हाड़ी से मारकर आरोपियों ने हत्या कर दी। तो वहीं हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया और पुलिस अपराधियों से पूछताछ में जुटी है। मर्डर हो गया सीपत का लड़का रात के तो हमें मिलो गए 2 बजे हो गए। एक लड़का जो सीपत पाल है उसकी मृत्यु हो गई। ढाबा संचालक के द्वारा बताया गया है कि रात को उसकी मौत हो गई है और इसमें द्वारा जाँच की गई है। छतरपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता रामेश्वर निरंजन की रिपोर्ट। बांदाकमासिन में सपाइयों के 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर गाली गलौज और हाथापाई भी किए। पूरा मामला है थाना कमासिन कस्बे का, जहां कस्बा निवासी एक युवक सपा कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर विधायक खफा थे। इसी को लेकर पूर्व विधायक विशंभर सिंह यादव थाना कमासिन में लिखित शिकायत देते हुए युवक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। शिकायती क्रम में इंचार्ज दरोगा ने पुलिस बल के साथ युवक की गिरफ्तारी कर ली है। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता रामबाबू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के नौगढ़ ब्लॉक में भाजपाई कर रहे पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। बता दें कि ब्लॉक प्रमुख के दौरान निर्दल प्रत्याशियों के वोट डालने पर भाजपाई आपत्ति जताते हुए पुलिस प्रशासन से उलझ रहे और साथ ही परिसर में हंगामा भी कर रहे। हमारे किसी होटल को तो आप नहीं ले गए, हमारे होटल को तो आप नहीं ले गए, अब वहाँ लाइन लगवा के आप ले जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। वजीरगंज प्रखंड के मुख्यालय के सामने बैनर तले सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पावर ग्रिड से मीरगंज तक लोगों ने पैदल मार्च किया। बता दें कि देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पर बढ़े दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं वजीरगंज से पूर्व प्रत्याशी महागठबंधन नेता डॉक्टर शशि शेखर सिंह, वजीरगंज प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सतीश सिंह, प्रखंड संगठन प्रभारी रामाश्रय सिंह के साथ कई कांग्रेस नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। और कांग्रेस नेताओं ने लोग आज यहां थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और हम जानना चाहते हैं शशि शेखर सिंह से कि महंगाई क्या बढ़ाई जा रही है उसके बारे में बताएं। अब मोदी सरकार के सब तमाम विफलताएं हैं। अब देखिए पेट्रोल डीजल गैस सरसों तेल जो हालत है, जिनकी पॉलिसी रही है, नोटबंदी में फेल हुए, जीएसटी में फेल हुए, किसान के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं वो भी फेलियर है। अब महंगाई तो देखिए कमर तोड़ा है, जनता सड़क पर उतर चुकी है, अब इनको महंगाई कम करना पड़ेगा। ये सब मरे हुए हैं तो हम उनको भी जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि महंगाई जो मुद्दा है आपके लिए नहीं है, मीडिया के लिए भी है, हमारे लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, सभी के लिए है। सब लोग इसमें सबक मिले हमारे साथ, हमारा आंदोलन हमारे साथ दे, इसलिए हम निकले हैं। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर शशि शेखर, पूर्व प्रत्याशी महागठबंधन वजीरगंज विधानसभा। गया वजीरगंज से केकेडी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार। पुरखीरी के तहसील पलिया में किसान नेता सरदार वीएम सिंह आज किसानों के बीच दौरा कर रहे हैं, जहां किसान नेता किसानों से मिलने आज बेला पहुंचे, जिस दौरान किसानों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। बता दें कि वीएम सिंह के आह्वान पर महीनों से धरना पलिया शुगर मिल में गन्ने का पिछला बकाया के कारण चल रहा है। कल किसानों ने रोष मार्च भी पलिया में निकाला था। वीएम सिंह की अगुवाई में लखनऊ में होने वाले बकाया गन्ने का मूल्य का भुगतान न होने के कारण धरना की तैयारियों का जायजा लेने निकले। उनके साथ किसान समर्थक पूर्व प्रधान जसवंत सिंह, गुरु प्रताप सिंह अख्तर के साथ काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से केकेडी न्यूज संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट।